This is multiple choice question 4 of the book of Halliday, Resnick, and Karin. And the chapter is 3. And the statement of uh, this multiple choice question is The student in multiple choice question 3 then pulls the rubber band so that it is at the 9 inch mark. The block of wood slides faster and faster with a constant acceleration. एंड एज़ इट मूव्स द स्टूडेंट मूव्स हिज़ हैंड सो दैट द रबर बैंड इज़ ऑलवेज पुल्ड टू नाइन इंच मार्क द नेट फोर्स ऑन द ब्लॉक वैन द रबर बैंड इज स्ट्रैच टू नाइन इंच मार्क इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू लेस दैन आर अनरिलेटेड टू द नेट फोर्स ऑन द ब्लॉक वैन द रबर बैंड वॉज स्ट्रैच टू सेवन इंच तो हमने तीसरे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में ये देखा था कि ब्लॉक के ऊपर टोटल फोर्स कितनी है जब रबर बैंड छः इंच और सात इंच तक खींचा होता है और हमने ये भी लास्ट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में देखा था कि जब हम रबर बैंड को आठ इंच तक खींचते हैं तो उस वक्त ब्लॉक मूव करना शुरू करता है इस क्वेश्चन में उन्होंने ये कहा गया है कि जब हम रबर बैंड को नौ इंच तक खींचते हैं तो फिर वो कांस्टेंट एक्सेलरेशन से मूव करता है यानी उसकी जो स्पीड है वो इंक्रीज़ होती जाती है टाइम के साथ और ये उन्होंने बताया है कि द ब्लॉक मूव्स फास्टर एंड फास्टर तो अब अगर वो कॉन्सटेंट एक्सलोशन से मूव करता है तो इसका मतलब है उस ब्लॉक के ऊपर अब कोई कॉन्स्टेंट नॉन ज़ीरो फोर्स लग रही है और अगर फोर्स नॉन ज़ीरो है तो जब हम इस फोर्स का कंपैरिजन करेंगे प्रॉब्लम थ्री में लगने वाली फोर्स में के साथ जिसमें रबर बैंड को हमने सात इंच तक एक्सपेंड किया हुआ था या खींचा हुआ था तो उस वक्त हमने देखा था कि फोर्स जो लग रही थी वो ज़ीरो थी और इस केस में जो फोर्स है वो नॉन ज़ीरो है तो हम फ़ौर ही इस नतीजे पर पहुँचते हैं कि जो हमारे पास फोर्स है समेशन एफ फॉर नाइन इंच मार्क इट्स ग्रेटर दैन फोर्स फॉर सेवन इंच मार्क और इस कंडीशन से हम इस नतीजे पे पहुंचते हैं कि ये जो ग्रेटर दैन का ऑप्शन है यानी ऑप्शन ए जो है ये सही है इस केस में